बुधनी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का छोटा सा इलाका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गोद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वैसे तो इलाका काफी शांत रहता है, लेकिन चुनावी प्रचार का शोर बुधनी तक हर 5 साल में आ ही जाता है। बुधनी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2006 से लगातार और इससे पहले 1990 से 1991 तक इस सीट से विधायक रहे हैं। इस बार भी बुधनी से बीजेपी से टिकट पर शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की छवि मामा की है, लेकिन उनके इलाके की जनता क्या सोचती है ये भी आपको सुनाते हैं। ये जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सहायता के हिसाब से जो राशियां दी है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, वो सहायता की राशि वो बीमार व्यक्ति को है जो डायरेक्ट मध्य प्रदेश सरकार से लेने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री जी ने उस सहायता राशि डायरेक्ट वो बीमार व्यक्ति को दी, जो पढ़ाई अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा था, पैसे का बीच में रोड़ा आ रहा था, उनको तत्काल सुविधा वो 25,000 रुपए की राशि से शिक्षा के लिए दिए। अभी 35 करोड़ का सीएम राइस स्कूल बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे मित्रगण, एक भी उपलब्धि कांग्रेस शासन की बता दे कि कोई शासकीय बिल्डिंग कांग्रेस के शासन काल में यहाँ पे बनी हो। शिवराज सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का कहना है कि इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि स्थानीय लोगों को केवल मजदूर के रूप में भर्ती किया गया है। माननीय मुकुंद जी के द्वारा बर्दवान फैक्ट्री और एक ट्राइडेंट, दो फैक्ट्री लगाई गई है यहाँ। माननीय मुकुंद जी के बनते ही हमारे लाखों युवा वहाँ जाते हैं, गाड़ी आती और वहाँ सर्विस करके शाम को लौटते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सी को कमाओ योजना, उसमें टैलेंट भी तो होना चाहिए, 8,000 रूपए दे रहे और सीखो और कमाओ। जहां पर 120 गांवों का प्रतिनिधित्व रहती तहसील करती हो, और अगर स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसमें एक मुख्य बात कहना चाहता हूं, आज के समय में आप बहुत सारे युवा हैं, उनके चेहरे देखिए, सब लोग बेरोजगार हैं। यहां पर दो दो तीन तीन फैक्ट्रियां लगी हुई बुधनी विधानसभा में। बुधनी विधानसभा के व्यक्ति को, नौजवान को आज रोजगार उपलब्ध नहीं है। बीजेपी क्षेत्र में सड़कों का एक नेटवर्क बनाने का दावा करती है। निवासियों का कहना है कि आवारा जानवर हर समय उन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। नल जल योजना के तहत कई घरों में नल का पानी पहुंचाने के बावजूद अब भी ये मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अब भी इलाके के कई घर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सर घाट पे तो अभी क्या ये समस्या है, सुलभ कॉम्प्लेक्स थोड़ा पास होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, टीन सेट होना चाहिए, मतलब बाहर से बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर लोग, तो उनको व्यवस्थाएं सही नहीं मिल पा रही है। समस्या ये सर पानी पीने को नहीं है, जमीन में पानी नहीं, किसानों को बहुत परेशान है, किसान बड़े बड़े यहाँ पर जमीन है बहुत, पर बहुत दिक्कत आ रही है। और ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था ये, और नसुलगंज तहसील में तो उनके बुधनी से ज्यादा वोट मिला हमारे इधर, और सभी लोगों ने दिया, पर यहाँ 20 साल 18 साल में उनको पानी की व्यवस्था तो करना था। अब ये नर्मदा लाइन आप ला रहा था, बोला रहा था, कब ला गया, क्या होगा। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह के मुकाबले विक्रम मस्तल को टिकट दिया है। विक्रम एक अभिनेता हैं जो हनुमान जी की भूमिका निभाने के लिए मशहूर हैं। देखिए किसान परेशान है, किसान की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नाश हो गई, अभी तक कोई राहत राशि नहीं आई, और जहां बीमा दिया गया वो ऊंट की मुंह जीरे ऐसी बात है। लोग आपने सुना यहाँ पे लोग किसान आज भी पीने के पानी के लिए परेशान है, गांव के लोग खेती के पानी के लिए परेशान है, यूरिया खाद की समस्या चल रही है, रोजगार की समस्या है, गौ माता की समस्या है। पिछले 18 वर्षों में माननीय शिवराज जी ने ना तो यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना कोई नर्सिंग कॉलेज दिया, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, सिर्फ बातें की, बातों के सिर्फ किले खड़े करिए। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने बुधनी की कमान अपने हाथों में ली हुई है। मैं अकेला कभी कुछ नहीं करता हूं, मेरे साथ बुधनी के 3 लाख निवासी ये स्वयं चुनाव लड़ते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बनकर। ऐसा कहना गलत होगा कि मैं रखता हूं सब कुछ, प्रत्येक कार्यकर्ता बुधनी का मेहनत करता है और उनके आशीर्वाद से ही, उनके मेहनत से हम जीतते हैं।
भोपाल से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बसा बुधनी विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। फिलहाल इस विधानसभा इलाके में कुल 2,69,773 वोटर हैं, जिनमें से 1,29,828 महिला, 1,39,877 पुरुष और बाकी थर्ड जेंडर हैं।